किताब थी भूल ही नहीं सकती। कौन कौन ने कहा ऐसे तो? ना ऐसा ऐसा कलयुग में ये भी चलता है परिणाम। এক নামে করে চিত্ত, এক নামে করে সর্ব পাপ ক্ষয়, নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম নিতে হয়, আনুষঙ্গিক ফলে করে কৃষ্ণ প্রমোদায় চিত্ত, আনুষঙ্গিক ফলে করে সংসারের ক্ষয়, চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রমোদায়, এক নাম নিয়ে ফলতা, এক নাম নিয়ে, এক নামে করে সর্ব পাপ ক্ষয়, চিত্ত আমরা পাপ পাপ তুমি বাবা নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন সুমন বর্মন ये पूर्ण होता है हरिनाम से। नवदा भक्ति हम जा नाम कर नहीं पाते हैं लेकिन हरिनाम करते हैं इसमें पूर्ण होते हैं। आनुषंगिक फल पर संचारित फल, इसका आनुषंगिक जो फल है मुख्य फल नहीं है, आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल पर संचारित फल, संसारित खाए माने संसार वासना जो बीज हमारे भीतर है वासना को ही नष्ट करे, चित्त आकर्षीय करे कृष्ण, चित्त आकर्षण करके দীক্ষা পুরস্কার যা বিধি অপেক্ষা না করে, জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে দীক্ষা পুরস্চরণ, পুরস্চরণ মানে পুরস্চরণ, ইসকা অপেক্ষা হয় নেই, ইয়ে হয় বিশেষত করি যুগ। হ্যাঁ, নিষ্ঠা কে সাথে ইয়া কা নাম করতে রহতা হয়, এক বস্তু হ্যাঁ এক কমি হ্যাঁ, আগর দীক্ষা নেই হুই হ্যাঁ তো উসকো ও নিকুঞ্জ সেবা মিলেগা, ও তো পরম্পরা সে আনা পড়ে, বাকি ঠাকুর জি কা দর্শন হো সকতা হ্যায়, সংসার চক্র সে মুক্ত হো সকতা হ্যায়, উসকা জড়চেতন গ্রন্থি খুল সকতা হ্যায়, ও নিরাপদ পুণ্য মে পৌঁছ সকতা হ্যায়, লেকিন ও সেবা প্রাপ্ত কে দিয়ে গুরুকরণ কে অবসর। আনন্দ আনন্দ তো বিপ্রাপ্তি তে সেই তো আনন্দ মিলনা কি হো সকতা হ্যায়, तो बोला आनंद का स्रोत है, प्रेम तो इस नाम से मिलेगा, दीक्षा नहीं हुई है लेकिन तुमको तुम नाम कर रहे हो आनंद नाम से ही तुमको मुक्ति हो जाएगी, नाम से ही तुमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इसलिए संशय करने का कोई अवकाश नहीं। हाँ, गुरुकरण तो होना चाहिए, सदगुरु गुरु लक्षण युक्त जहाँ तहाँ से कान को करना उचित नहीं है, लक्षण युक्त अनुभवी सर्व प्रकार ध्वज वर्जित ये सब देख करके फिर जाके। अच्छा, कोई जिसने जिसके ऊपर श्रद्धा हो और उन्होंने उनसे दीक्षा भी नहीं ली हो तो उनको क्या पूर्ण फल उनको वहाँ उनके स्मरण से प्राप्त हो सकता है उनको? नहीं, स्मरण से कल्याण तो होता है कुछ, अगर वो महापुरुष है तो कल्याण तो कुछ होता है लेकिन दीक्षा तो आवश्यकता है सेवा प्राप्त के लिए। जो भी हो दीक्षा यहीं से प्राप्त करे, तो वो दीक्षा प्रदान नहीं करते तो फिर वो क्या करे? वो नाम का आश्रय करे, फिर नाम ही उसको पहुंचा देंगे गुरु के पास। संत नहीं करना चाहिए, नाम चिन्मय दिव्य आनंदमय भगवान और नाम नाम ही अभिन्न है, ऐसा नहीं हम नाम के शरण लिए हैं तो हम तो भाई सब तरह से वंचित है, ऐसा नहीं है। नाम के शरण में आ गए मान लो ठाकुर जी के शरण में तुम आ गए, नाम नाम ही अभिन्न है, नाम ही तुमको सदगुरु के चरण में पहुंचा, लेकिन हाँ तुमको कर साधन करना पड़ेगा, निष्ठा लेकर के नाम ही तुमको पहुंचा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम नाम का आश्रय लिए है, नाम करते हैं और हम वंचित हैं हर तरह से, ऐसा थोड़ी होता है।
ना भईते सर्व पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि कृष्ण भक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेम उद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति शिवामृत समुद्र मज्जन। नाम करते करते नाम है सर्व पाप संसार नाशन, समस्त पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है, इस संसार वासना नष्ट हो जाता है। नाम सर्व संसार चित्त शुद्धि, फिर चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उत्तम सर्वन उत्तम शरण, ये सब भक्ति ऑटोमेटिकली डिजाइन स्पिरिट हो जाता है। कृष्ण प्रमोद्गम फिर भी नाम करते हैं तो फिर कृष्ण प्रमोद्गम जब उद्गम होने से लक्षण दिखाई देता है फिर कृष्ण प्राप्ति होती है, भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं, ऐसा नहीं है। नाम का आश्रय लेके नाम शरण में आकर के साधक के लिए ऐसे नेगेटिव चिंता नहीं करना चाहिए। नाम हम कृपा करेंगे, हम जानते नहीं कौन हमारा गुरु, हम क्या जानते हैं हमको कहाँ जाना है, हम कैसे निर्धारण करेंगे, हमारी बुद्धि अपरिपक्व है, कैसे जानेंगे ये नहीं, ये हमारे निर्धारित निश्चित स्थान है, हम कैसे निरूपण करेंगे अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा। तो इसीलिए नाम के शरण लेंगे निष्ठा के साथ नाम ही उसको